जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और लगभग सभी अक्षर आपने बनाना सीख लिया है, तो इस वीडियो में जो भी अक्षर छूट गए हैं मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि लगभग सभी जो भी सुलेख के अक्षर हैं वो पूरे हो जाएं। तो ये वर्णमाला में जो स्वर थे वो छूट रहे थे, तो इसमें से आज इस वीडियो में हम जितने भी स्वर हैं उनको बनाना सीखेंगे और साथ ही में जितने भी पाई मात्रा हैं उन्हें हम अच्छे से बनाना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो ये बन गया छोटा। अब इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो इसे बनाने के लिए आप देखिए इसको कई स्टेप में है। ये आप पहला स्टेप करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप ये करेंगे, तीसरा स्टेप ये करेंगे और उसके बाद ये आप देख सकते हैं। और फिर इसको आप वही जो मैंने पहले बताया था कि थोड़ा सा तेज में करना है। तेज में कैसे करेंगे आप देखिए, ये ऐसे करते हुए आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप बड़ा आ बनाना चाहें तो सिंपली आप उसी तरीके से फिर आप एक छोटा आ बनाएं और फिर इसी में एक और डंडी खींच देते हैं, तो ये हमारा बड़ा आ बन जाता है। उसके बाद आप छोटी ई, हालांकि छोटी ई हमने पहले भी बनाना आपको बताया हुआ है, पर चूंकि स्वर बता रहे हैं तो इस साथ साथ हम छोटी ई को भी देखते चलेंगे। अब देखिए इसी में अगर हमें बड़ी ई बनाना है तो आप उसी तरह छोटी ई भी बनाइए और उसमें ऊपर ये, अब ऊपर वाली ये पाई हमने कैसे खींचा, तो चलिए एक बार फिर से आप देखिए, ये हमारी डंडी है और आपको मैंने बताया था कि तिरछा चलाएंगे तो पतला होगा, ये फिर ये और फिर ये, तीन स्टेप में ही आपका ये पाई बना। चलिए इसको फिर से आप देख ले, तो इसी को आप थोड़ा सा गोलाई में करेंगे तो इस तरीके से आपका ये ऊपर का पाई बन जाता है। ये हमारा छोटे ऊ बन गया और इसी में अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक, अब यहाँ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए चलिए पहले हम जैसे कोई अक्षर बना के आपको दिखाता, जैसे का है, हम इस का में अब छोटे ऊ की मात्रा हमको लगानी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए ये ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि एक दो तीन चार स्टेप में इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे तो ये हमारा गोलाई में इस तरीके से बनेगा। चलिए फिर हम लगा के देखते हैं इसमें, ये ऐसे ऐसे करना है हमको, ये हो गया आपका छोटे ऊ का मात्रा। अब इसी में अगर हमको बड़े ऊ की मात्रा लगानी हो तो क्या करेंगे, तो की स्थिति में देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पर काम तो वही करेंगे, बस क्या है उस तरफ को इसका मुँह रहेगा। तो देखिए इसके लिए हम ऐसे करेंगे पहले, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ भी वही है, चार स्टेप हैं। अब इस चार स्टेप में आप देख सकते हैं इसी को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए इसमें स्टेप को सीखना ज़रूरी है, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको जल्दी कर सकते हैं और जो इसमें कर्व है उसको गोलाई में ही रहेगा क्योंकि इसमें रुक रुक के नहीं करना है। देखिए यहाँ पर का बन गया और इस का में आपको बड़े ऊ की मात्रा लगाना, तो ऐसे करिए और इसको गोलाई में ऐसे कर दीजिए, तो ये का हो गया। ठीक, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, ए की मात्रा भी हमें बनाना सीखना है। ऐसे में आप देखिए डंडी है, ऐसे करिए, ठीक, ये मोटा हुआ। अब नीचे की ओर देख रहे हैं, अब इसी को हल्का सा गोलाई में ले लेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक, ये आपका ए की मात्रा हो गई, ए की मात्रा करना है तो इसी में एक और लगा देंगे। ध्यान रहे कि दोनों का जो मूल है, जहाँ से दोनों स्टार्ट होंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, वो एक ही हो। ठीक, दोनों को एक ही स्थान पर जाकर हम ऐसे मिला देते हैं, ज़्यादा दूर गैपिंग नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद अब हम ए है हो गया, ए हो गया, ओ की मात्रा की बात करें तो इसी में आप अगर एक डंडी आप नीचे की ओर खींच दें तो ये ओ की मात्रा हो गई। जैसे अगर मुझे का में ओ की मात्रा लगानी है तो हमने का लिखा और इसी में
एक डंडी खींचकर, और ऊपर ए वाली मात्रा। देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ अगर आप बनाना सीख गए तो दूसरों को बनाने में दिक्कत नहीं होती है, फिर उसी के साथ साथ आप उसको करते चले जाते हैं। तो ये हो गया ए आई ओ हो गया। अब हम बिंदी की बात करते हैं, यहीं पर जैसे अगर मुझे बिंदी भी रखना हो तो यहाँ पर एक बिंदी रख दीजिए। अन हो गया, चौड़ी बिंदी बनाने के लिए देखिए क्या करना है, ऐसे रख के जैसे आप तिरछी लाइन खींच रहे हैं तो ऐसे रख के हल्का सा नीचे की ओर करेंगे, ये चौड़ी बिंदी बन जाएगी। और अगर आपको आहा की बिंदी बनानी है तो ये आप जैसा कि जब देखते हैं पीछे लगी लगती हैं दो बिंदियाँ, वैसी चौड़ी चौड़ी आप दो बिंदियाँ खींच दीजिए। इस तरीके से आपकी आहा की बिंदी हो गई। ठीक, तो ये सभी हो गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कभी कभी होता है ना जैसे कृत, आपको कृत लिखना होता है तो जो री री की मात्रा है वो ऐसे लगती है ये, ठीक, ये क्री है, ठीक, कृत। और प्रा, प्रा में अक्षर मात्रा जो लगाते हैं उसको भी सीखना ज़रूरी होता है, तो उसको लगाने के लिए देखिए ये, ठीक, ये आप देख रहे हैं लाइन तिरछी, ऐसी तिरछी लाइन यहाँ पर ले जाकर इसमें मिला देते हैं। ठीक, तो ये आपका प्रा हो गया। ये हम लिखते लिखने के बाद हम माँ के पास एक छोटी सी ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक, ये वाली जो है ये हाफ जो है कि अगर हम चाहें तो पूरा अक्षर ना लिखें तो ये हलंत लगा देते हैं उसमें। ठीक, बस उसके बाद हाँ इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप इसको ऐसे चलाएंगे। ठीक, और इन्वर्टेड कामा बंद करने के लिए आप ऐसे करेंगे। ठीक, फिर से देख लीजिए, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करते समय ऐसे और बंद करते समय इस तरीके से। ठीक, तो आई होप कि इसमें लगभग जितना भी था बाकी था वो हो चुका है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। और इसमें अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो सुलेख का बना रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ कमियाँ भी हों, तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे और जो होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर आप इसको सीखिए और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ इसके आगे जो कुछ भी खास चीज़ें हैं वो हम लेकर आएंगे। थैंक यू।